थोड़ा सा चलते ही पाकिस्तान भी हमें दिख गया। ये रहा जी, ये सारी बस्ती जो है, ये जो आप बस्ती देख रहे हैं, कहाँ गई मेरी उंगली, ये हाँ, ये सारी बस्ती जो है ये पाकिस्तान की है। ये देखो जी, ये नज़ारा है कुछ यहाँ से, क्या ही खूबसूरत जगह पे हम। और ये रहा जी उड़ी, पूरा आपके सामने। 1, 2 एंड 3। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय न्यू फ्रेश व्लॉग। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शुक्रिया। मौसम बहुत ही ज्यादा सुहाना है, बहुत बढ़िया मौसम है आज। और आज मैं निकला हूँ बाइक राइड करने के लिए। ये बाइक राइड पे मैं जा रहा हूँ उड़ी, जिसे आप उरी के नाम से जानते हैं। जो जो कश्मीर से हैं और उरी की तरफ गए हैं, उड़ी की तरफ गए हैं, उनको पता है उड़ी कितना ज़्यादा खूबसूरत इलाका है। और जो कश्मीर से बाहर के हैं या जिन्होंने कश्मीर में रह के भी उड़ी नहीं देखा है, उनके लिए है ये। उड़ी जो है एक बहुत ही ज़बरदस्त एरिया है, पाकिस्तान के बॉर्डर पर ही पड़ता है, नज़दीक में ही। तो हम आज पाकिस्तान बॉर्डर की तरफ जा रहे हैं टेक्निकली। तो ये रहा जी इको पार्क यहाँ से मेरे राइट साइड से। और अभी हम पहुंचेंगे शीरी, उसके बाद हम पहुंचेंगे गंडामुला, उसके बाद हम पहुंचेंगे बुनियार, एंड सो ऑन एंड सो ऑन। और आज हम स्पीड टेस्ट करेंगे अपनी हिमालयन का, कि ये हमें कहां तक ले जाती है, इसकी हाईएस्ट स्पीड क्या है, वो भी हम ट्राई करेंगे आगे रास्ते पे। आगे रास्ता हमें बहुत खुला मिलने वाला है, तो वहाँ पर चेक करेंगे हम। भाई बहुत टाइम बाद मोटो व्लॉग कर देना तो मज़ा आ जाता है भाई, सच में मजा आ जाता है। ट्राई करते हैं थर्ड 80, फोर्थ 100, फिफ्थ 110 और रास्ता खत्म। इतना ही रास्ता ये। हिमालयन को स्पीड बढ़ाने में बड़ी दिक्कत होती है, ये एक साथ में नहीं चढ़ती, ये आहिस्ता आहिस्ता मध्यम मध्यम तरीके से चढ़ती है। और यहाँ से देखो लेकिन रास्ता कितना ज़्यादा खूबसूरत है भाई, इधर से जहलम और इधर से धान की फसल, जो कि अभी नहीं लगाई है, बस स्टार्ट हो जाएगा थोड़े दिनों में। पनीरी लगाई हुई है, हर किसी ने यहाँ से पनीरी लगाई हुई है। पनीरी मतलब वो धान का बीज, और उसके बाद जो है फिर वही फसल लगाते हैं भाई। आज स्पीड टेस्ट हो के रहेगा, कुछ भी हो जाए। हाँ यहाँ पे थर्ड 100, नो नहीं होगा यहाँ पे अभी। बुनियार का मार्केट यहाँ से स्टार्ट होता है, फिर लेफ्ट साइड से जाएंगे तो पूरा आगे तक है। बस यहाँ पे राइड थोड़ा ध्यान से करना पड़ता है क्योंकि जानवर बहुत ज़्यादा है। अच्छा यहाँ लेफ्ट साइड से जाओगे तो और मार्केट है, और सीधे हम नीचे जाएंगे उड़ी की तरफ। ये रहा जी उड़ी, मतलब यहाँ से उड़ी जाते हैं। उड़ी है यहाँ से 23 किलोमीटर्स, मुजफ्फराबाद है 93 किलोमीटर्स, और फिर बाकी लगामा मोरा, मतलब 93 किलोमीटर्स ओनली, और हम मुजफ्फराबाद पहुँच जाएंगे। दैट्स इट, मतलब हम पाकिस्तान के करीब बहुत ज़्यादा है। 93 किलोमीटर्स मुजफ्फराबाद। ओहो हो भाई, ये देखो जी यहाँ से ये वाली बसें भी चलती है, क्या खूबसूरत है भाई, यहाँ से मज़ेदार सीनरी है, बहुत खूबसूरत। अच्छा यहाँ पे मैं एक खूबसूरत चीज़ आपको दिखाऊंगा, वो यहीं पे किसी जगह पे है, बस अभी आएगी थोड़ी देर में। वो ऐसे रास्ते के आर पार ऐसे एक ब्रिज बनाया है, और वो ब्रिज जो है वो चलने के लिए नहीं है, वो पानी का ब्रिज है, उससे वो लकड़ी का बना हुआ है, और उससे पानी आर पार हुआ करता था पहले, पता नहीं कब, आज तो नहीं शायद, या तो अभी होगा वो वहाँ पे रास्ते में, या तो उठा दिया होगा, वो देखना पड़ेगा, जैसे ही मिलेगा मैं आपको दिखा दूंगा वो। ये मिल गया, ये इसकी बात कर रहा था मैं, ये यहाँ पे, ये देखो जी, ये जो बहुत दूर था भाई, ये देखो ये ब्रिज कैसे है, तो ये पानी ऐसे ऊपर से आता था या पता नहीं कैसे, और फिर पानी इधर नीचे की तरफ शायद चला जाता था, तो ये बड़ा खूबसूरत था, लेकिन अब ख़राब हो गया। पहले 5-10 साल पहले जब हम यहाँ से आते थे तो ये बहुत खूबसूरत लगता था, बहुत ज़्यादा। यहाँ पे गुरुद्वारा भी है नीचे, बहुत नीचे, यहाँ पे एक ब्रिज बना था एक टाइम पे, तो फिर जब वो ब्रिज पार कर रही थी गाड़ी ट्रायल में, तो वो पुल ही नीचे गिर गया था, उसमें शायद पता नहीं कितने लोग बेचारे मर गए थे। देखो जी वहाँ अभी भी है वो ब्रिज जो आधा टूटा, मैं आपको दिखाता हूँ, वेट, मैं फ़ोन से आपको दिखाऊँगा। ये देखो जी, इसका देखो आप,
आधा ब्रिज जो है वो कंक्रीट वाला है ये यहाँ तक, और यहाँ से आगे जो है वो लोहे का है, वो देखो नीचे भी गिरा हुआ है। तो ये ब्रिज जो था ना, जब इधर बीच में गाड़ी आई ना इधर तक, तो गाड़ी नीचे पानी में गिर गई सारी, तो फिर उसमें बहुत लोगों की जान चली गई है। और ये रहा गुरुद्वारा, ये यहाँ पे बहुत सारे सिख बरादरी के लोग जो है आते हैं, कोई इनका बड़ा दिन होता है तो वहाँ पे आते हैं। और ये रहा उड़ी का भी नज़ारा, ये बस्ती देखो कहाँ कहाँ ऊपर, उड़ी अभी इस पहाड़ के नीचे या उधर उस साइड से किसी जगह पे। ये लो जी बिलाल भाई भी मिल गए, ये 2 मिनट 1 मिनट से पहले 600 मीटर से पहले हमें मिल गए। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? आपका डॉक्यूमेंट लेके ये दादी कहते हैं। अच्छा आ जाओ, अच्छा यहीं से ऊपर जाना है, उड़ी आ गया है वो है उड़ी। वो सारा उड़ी है वहाँ से, यहाँ से कहाँ जाते हैं ऊपर? ये ना ऊपर जहाँ से हम जा रहे हैं, घरकोट। हाँ बाबा फरीद, वो कहाँ वहीं पे है। ये देखो जी ये नज़ारा है कुछ यहाँ से, क्या ही खूबसूरत जगह पे हम। और ये रहा जी उड़ी पूरा आपके सामने, एरियल वेव, ड्रोन की ज़रूरत ही नहीं भाई। वो देखो रास्ता कहाँ है नीचे, वो छोटी सी गाड़ी चल रही है, जूम भी नहीं हो रहा, ये छोटी सी गाड़ी चल रही है और कितना दूर है। और ये देखो नज़ारा, ये देखो जी थोड़ा सा चलते ही पाकिस्तान भी हमें दिख गया। ये रहा जी ये सारी बस्ती जो है, ये जो आप बस्ती देख रहे हैं कहाँ की मेरी उंगली है, हाँ ये सारी बस्ती जो है ये पाकिस्तान की है। आंखों से तो बहुत क्लियर दिख रहा है, फ़ोन में आपको थोड़ा दूर दिख रहा होगा। चलो जी आगे चलते हैं, हमें आगे जाना है यहाँ से जी। बाइक हमने यहाँ पे पार्किंग में रख दी है और यहाँ से हमें पैदल जाना है, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं थोड़ा सा जाना है। यहाँ से ये कुछ नज़ारा है, यहाँ से हमें थोड़ा जाना है ऊपर घर की तरफ, ज़्यादा दूर नहीं जाना है। तो जी मैं आ गया हूँ बिलाल भाई के पास, अभी आपको बाहर से कुछ नहीं दिखाई दे रहा होगा, लेकिन अभी मैं आपको जो नज़ारा अंदर से दिखाने वाला हूँ ना, बाहर का नज़ारा, उस पे आप भाई रश करोगे कि क्या है। तो जी अभी जो आप देखने वाले हैं ना, 1, 2 एंड 3, ये देखो भाई क्या नज़ारा है, क्या ही खूबसूरत है भाई। सुबह उठो फिर ये देखने को मिले ना भाई, क्या ही खूबसूरत है दादा। ये नज़ारा तो आप रोज़ देखते होंगे सुबह सुबह, है ना, हर रोज़ भाई, बहुत खूबसूरत है।